सो पहले तो मैं यही बोलना चाहता हूँ भाई, थैंक यू सो मच फॉर लाइक डूइंग दिस, इट रियली मीन्स लॉट टू मी. और इट्स अ प्लेजर। नो, थैंक यू सो मच. और अभी मैं आज ही देख रहा था अमेजोन पे टॉप 10 ग्लोबली जो है अपनी बम्बई मेरी जान आ गई है. करेक्ट। और मैं एक्चुअली कल से ही मैंने देखना स्टार्ट किया, मैं बिंज वॉच ही कर रहा था पूरी सीरीज को. अभी मैं शायद 7वें या 8वें एपिसोड पे हूंगा, मैंने पूरी कंप्लीट नहीं की है, बट अब तक जो मैंने देखा है मतलब मजेदार, मजा ही आ गया. और जिस तरीके का ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है, तो मतलब सोचा था आपने ऐसा कि इस तरीके का रिस्पॉन्स मिलेगा जब पहली बार आपके पास में स्क्रिप्ट आई होगी या जब आपको मिली होगी ये मूवी के बारे में जानने को? थैंक ऑनेस्टली थैंक यू सो मच। पहले तो आप अभी यू. बिंज कर रहे हैं, लव लाइक पीपल हु बिंज। हाँ, एक बार में बैठ के पूरा हाँ कंटेंट देखना, हाँ वो वेट नहीं इट होता रियली मेरे से बिल्कुल भी. हाँ सब आप पूरा चीजें फील करते हो ना, लाइक राइट लिविंग राइट. लाइक हाँ, कैरेक्टर्स। वो तो पूरी वाओ, जर्नी के साथ हाँ में वो वेट भी नहीं होता उसके बाद में तो. वो बनाया भी इसी तरह जाता है कि 10 घंटे की पिक्चर है, 8 घंटे की पिक्चर है, तो पूरा आप साथ में बैठ के राइट अगर राइट वक्त राइट निकाल। राइट श्योर. तो सर बहुत बहुत अभी तो इतना एक्साइटमेंट है ऑनेस्टली कि कुछ कंटेन पा रहे हैं सब लोग, क्योंकि ये जो टॉप 10 और सारी चीजें हो रही है, राइट यू नो राइट. लाइक वी आर जस्ट हम्बल्ड एंड ओवरवेलम्ड ऑनेस्टली ऑल ऑफ अस, कि इतने साल की मेहनत अब फाइनली वो आ रही है टुगेदर। बट या योर क्वेश्चन बीइंग कि जब पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी तो उसी वक्त एक टिंगलिंग इफेक्ट तो था, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भाई ये कुछ डिफरेंट है, राइट क्योंकि राइट. ये यूजुअल चीज नहीं थी। वो जिस तरह उसका जिस तरह लिखा गया था, जो उसके डायलॉग्स थे फॉर इवन फर्स्ट सेकंड ड्राफ्ट में, राइट. एंड उसका जो वर्ल्ड क्रिएशन था सबसे इम्पोर्टेंटली, जो यू नो इवन द फर्स्ट टू एपिसोड्स का जो वर्ल्ड सेटअप है, ये राइट. दिखाना कि बोट की स्मगलिंग कैसे होती है, वो बोट वहां जाके पानी में कैसे उसको नीचे डालते हैं, डाला कैसे जाता सब है. वो स्ट्रगल है ऑफ यू नो दैट होल पुलिस मैन जर्नी, वो राइट. इतना एक्साइटिंग था जस्ट ऑन पेपर। कि आई रिमेम्बर आई कॉल्ड शुजात सर आप, एंड मैंने उनको बोला, ही कॉल्ड मी आप एक्चुअली, ही सेड कि कैसी लगी तेरे को स्क्रिप्ट। और मैंने बोला सर स्क्रिप्ट तो बहुत कमाल है, लेकिन आप ये बनाओगे कैसे, राइट. लाइक हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस मैसिव मैसिव. वर्ल्ड। या वर्ल्ड बी राइट. या बिकॉज यू नो आई हैव बीन एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑल्सो बिफोर यस दिस, तो यस. वेन एवर आई रीड समथिंग आई ऑल्सो सी कि यार ये वर्ल्ड क्रिएशन किस तरह होने वाला है, नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट लाइक सम सेट डिजाइन, और ये सब दिमाग में अपने आप आता है, यू नो लाइक व्हेन वी राइट राइट. रीड बुक वी स्टार्ट इमेजिनिंग ये कि इमेजिनिंग कैसा थिंग्स. हो। सो व्हेन यू व्हेन आई रेड इट आई वाज लाइक यार बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये होगा कैसे, इम्प्लीमेंटेशन एंड कैसे होगा उसका? या एंड देन व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग इट, और करते गए और कर लिया सर, मतलब अब आज यहाँ है, रिलीज हो गया, पीपल आर लाइकिंग इट, इट्स यस ऑनेस्टली यस वेरी फॉर श्योर फॉर श्योर. और अभी तो शायद मैंने ये अभी 2 सीरीज इसके सेकंड वर्जन के ऊपर भी काम चल रहा है क्या इस टाइम पे? सर अभी मतलब उसका एक ये है कि अब हमने छोड़ा है क्लिफहैंगर पे, अब देखते हैं राइट सर, हम तो उम्मीद करें कि 2, 4, 6 बनाए 7 बनाए सब राइट बनाते राइट रहे, राइट राइट हम राइट. नहीं रहे बस, और क्या चाहिए हमें। बट सही है या सही है फॉर आई मीन इट शुड हैपन, नो एज एन ऑडियंस ऑल्सो वी विश श्योर. फॉर इट यार। यस यस आप तो अभी 8 पे पहुंचे, आप 10 मैं पे जब एट पे आएंगे ना हूँ. तो आप यार राइट राइट 11 राइट. 12 13 सब ये अभी दे नहीं दो, अभी के अभी दे दो मुझे. है। राइट करेक्ट, यू नो दैट राइट. फीलिंग लाइक व्हेन यू सी अ ग्रेट शो, लाइक आपने जैसे मैंने सॉ मनी हाइस्ट और वो हाँ खत्म हाँ हुआ, तो देयर इज राइट. अ वैक्यू यार, अभी मतलब अभी क्या, यू नो लाइक हाँ व्हाट डू वी राइट डू लाइक विद दीज कैरेक्टर्स एंड इतना सब कुछ दिमाग राइट में। राइट. उनके साथ में वो अपनापन एक जुड़ जाता है, चाहे बेशक वो नेगेटिव कैरेक्टर्स ही क्यों ना हो. आपका वैसे एक करेक्ट मॉरल मॉरल स्टैंडर्ड हो सकता है सही गलत को लेकर के अपनी लाइफ में, करेक्ट लेकिन जब हम स्टोरी देख रहे होते हैं और उन नेगेटिव कैरेक्टर्स के पीछे की भी जब स्टोरी देखते हैं कि ये एज अ ह्यूमन कैसा इंसान है, तो उनके साथ में एक रिलेशन जुड़ जाता है. मैं आपने बिल्कुल सही बोला, मनी हाइस्ट का जो एग्जाम्पल दिया, मैं भी जब देख रहा था मैंने उसको भी बिंज वॉच किया था. मतलब मैं करेक्ट पहले सवेरे उठ करके अपने पीसी में देख रहा हूँ, फिर खाना खाने जा रहा हूँ कहीं हाँ और, तो फिर अपने फोन पे लगा करेक्ट दिया, यही सब चल रहा था लगातार जब तक खत्म नहीं हुआ. क्यों और जब वो खत्म हो गया तो ऐसा लगता है कि यार अब क्या करना है यार. राइट, तो एक वो ऐसा वैक्यूम फील होता है कि भाई अभी मतलब यू नो यू जस्ट वांट टू सी मोर ऑफ द सेम थिंग, सो राइट आई राइट. थिंक दैट रिस्पॉन्स ना ऑडियंस, अगर आपको ये बोलेगी यार हमें और चाहिए और चाहिए, सो आई मीन और क्या थिएटर, यू जस्ट प्रोबेबली लाइक यू नो इट्स द बिगेस्ट हाई। राइट. सो मजा आ रहा है सर अभी तो, ऑनेस्टली बस ये है कि रोज कुछ ना कुछ नया है, राइट. एवरी डे वी अप विद सम न्यू न्यूज, कल ये पता चला कि ग्लोबल टॉप 10 है, आज कुछ नंबर
रहे थे शुरू शुरू के, एक हफ्ता कंप्लीट हुआ है, अब वीकेंड स्टार्ट हुआ है अगला, तो अब मंडे को फिर से नंबर देंगे। रोज ना कुछ ऐसा एक्साइटमेंट होता रहता है, क्योंकि बस बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। सो बिल्कुल। इट्स जस्ट और इससे पहले जैसे आपने अभी इस सीरीज में के मैनन सर के साथ में काम किया है, मतलब मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ ऑन अ पर्सनल लेवल, और आई एम श्योर आप भी होंगे, है ना? करेक्ट। तो आपने मतलब उनके साथ में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? और एक ये है ना कि हम दूर से देखते हैं चीजों को, तो हमारे दिमाग में जी एक विजन होता है हर किसी को लेकर के कि ये ऐसे होंगे ऐसे होंगे। पहली बार जब आपका उनसे मिलना हुआ, इसी सीरीज पे मिलना हुआ या इससे पहले भी आप कभी मिल चुके थे? नहीं सर, पहली बार मैं उनसे रीडिंग पे मिला था एक्चुअली, जब हम लोग ने पहला स्क्रीन किया था। जी पहली बार राइट वहां राइट मिला राइट। हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस था उनसे मिलने का, और उनका मतलब जो पूरा प्रोसेस है काम करने का और कैरेक्टर बिल्डिंग का अपने कैरेक्टर के रिगार्डिंग, वो कैसा एक्सपीरियंस था? उस चीज से मतलब क्या सीखने को मिला आपको, उसके बारे में अगर कुछ बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इस शो में नहीं, केके सर इस वक्त बिल्कुल, मेरे हिसाब से इंडिया के सबसे अच्छे एक्टर हैं, एंड नो डाउट, दैट्स इट्स डिबेटेबल, बट दैट्स माय ओपिनियन। आई जस्ट फील राइट, दैट इज द बेस्ट हैव राइट नाउ। सो आई फील उनका एक एनिग्मा, एक एक ऑरा, एक जो कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए हैं, सब कुछ ऑल ऑल अलोंग उनके करियर में, वो सब कुछ आपके सामने प्ले होने लगता है व्हेन यू सी हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। सो राइट व्हेन आई राइट सॉ राइट। हिम, मेरे दिमाग में थोड़ा सा हैदर का एक शॉट आ रहा था, मेरे दिमाग हाँ में थोड़ा तो हिम्मत सिंह राइट, वाली एक बात, मेरे दिमाग सारे कैरेक्टर्स आ रहे थे कि यार देख के बड़े हुए आप, ब्लैक फ्राइडे, ऑल ऑफ राइट दैट। राइट। ब्लैक फ्राइडे मैंने कुछ ही टाइम पहले दोबारा से 3-4 बार मैं ब्लैक फ्राइडे देख चुका हूँ। अभी 3-4 दिन पहले ही हाँ मैंने दोबारा से ब्लैक फ्राइडे देखी। करेक्ट सर, कोई भी मतलब कमाल की बॉम्बे पे फिल्म बनती है तो ब्लैक फ्राइडे का रेफरेंस तो आता ही है ना, बिल्कुल लाइक बिल्कुल, परफॉर्म में, आम में, लाइक राइट ऑल राइट राइट सत्या क्लासिक्स जो है राइट, पुराने। तो मैं जब उनसे पहली बार मिला, इट वाज जस्ट लाइक आई वाज जस्ट इन ऑ, एंड मैंने जब सुना भी कि उनके साथ काम करने वाला हूं, तो दैट वाज द बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट फॉर मी, दैट आई गेट टू स्पेंड द नेक्स्ट 2 मंथ्स विद केके मैनन। मैं उसी के लिए एक्साइटेड था। लिटिल राइट डिड आई नो कि मैं 3 साल उनके साथ बिताऊंगा, बिकॉज लॉकडाउन सब राइट बंद राइट होता राइट, रहा। वी शॉट फॉर ओवर 3 ईयर्स, बट हम लोग आर फर्स्ट मीटिंग आई रिमेम्बर वॉज 2019 दिसंबर इज वेन वी राइट हैड लाइक आर फर्स्ट रीड द होल कास्ट, एवरीबडी राइट, मेट, एंड केके सर वॉज राइट देयर, एंड वी वर इंट्रोड्यूसिंग आर सेल्स ऐसे राउंड में, और जैसे ही मेरा नंबर आया इंट्रोड्यूस करने का, तो आई कुडंट से एनीथिंग, आई जस्ट सेड दैट आई एम लक्ष एंड आई एम प्लेइंग हिज सन। आई डोंट नो वाई आई सेड दैट, बट मेरा मेरे लिए सबसे राइट बड़ा पॉइंट और दैट सेलिंग पॉइंट एंड दैट थिंग दैट ग्लूड मी टू द प्रोजेक्ट वाज दैट आई एम प्लेइंग हिज सन। और आज भी मतलब इट इज समटाइम्स आई जस्ट पिंच माय सेल्फ, आई एम लाइक यार डूड आर यू लाइक ये रियली सही में प्लेइंग। हुआ है क्या? हाँ मतलब फैमिली में आप कादरी कादरी हम लोग प्ले कर गए, एंड इट वाज आई राइट थिंक इट वाज राइट द बेस्ट ऑफ माय लाइफ येट, बहुत ही कमाल था यार। राइट। तो मतलब आपने उनको अगर क्लोजली ऑब्जर्व किया, तो कुछ एक दो चीजें अगर उनके बारे में बतानी हो कि क्या उनकी प्रोसेस रहती है, और क्या उनको मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो स्पेशल बनाती है, कुछ एक दो चीजें जो आपने एज एन एक्टर ऑब्जर्व की हैं उनके अंदर। सर एज एन एक्टर ना, वो इतने डेडिकेटेड टू द क्राफ्ट है कि वो सबसे कॉन्वर्सेशन बहुत करते हैं। सो ही इज वेरी राइट ब्रिंग्स एवरीबडी टू द टेबल। अगर वो जैसे मैं हूँ, मेरा पहला प्रोजेक्ट था ये बड़ा प्रोजेक्ट, सो बट राइट मेरे इनपुट क्या थे, अविनाश के इनपुट्स क्या थे, जितिन के क्या थे, सबको साथ में लेके, सबके इनपुट्स लेके, एंड देन एक अमेलगमेट करके एक सीन को क्रिएट करना, बिकॉज राइट वी हैड लाइक लॉट ऑफ सीन्स टुगेदर इन द रूम, आपने देखा ही होगा 8 एपिसोड तक भी, लॉट राइट ऑफ दैट शूट, जो घर पे बहुत सारे सीन्स हैं, बहुत शादी के सीन्स हैं, कुछ सीन्स हैं, तो उस सब में एक वाइब क्रिएट होना बहुत जरूरी था। एंड एज द राइट लीडर ऑफ द, उन्होंने वो चीज बड़ी कमाल की तरह निभाई उन्होंने, दैट ही प्लेड द लीडर, द कैप्टन का रोल वेरी वेरी वेल। सो वी ऑल फेल्ट रियली लाइक अ फैमिली, निवेदिता मैम, राइट कृतिका, मैं, जितिन, अविनाश, एवरीबडी, ऐसा कभी एक मोमेंट के लिए नहीं लगा दैट वी आर नॉट ग्लूड टू ईच अदर, एंड व्हेन वी आर लाइक लेजेंड इन द रूम। सो कभी राइट वो एक फील नहीं हुआ कभी गैप उनके साथ, राइट जो बहुत अच्छा फील होना व्हेन यू वर्क विद समबडी लाइक हिम, यस बिकॉज़ हिज पर्सनालिटी एंड एवरीथिंग। एंड ऑल्सो आई फील दैट व्हेन ही कम्स इन टू द सेट, ही इज द कैरेक्टर, लाइक आई नेवर एवर सॉ हिम आउट ऑफ कैरेक्टर। जैसे अगर वो ओल्डर वर्जन प्ले कर रहे थे तो थोड़ी हंच बैक हो जाती थी उनकी, राइट जब वो राइट राइट यंगर
थे पुलिस के, तो वो हमेशा अपटाइट एंड यू नो लाइक ही यूज्ड टू सिट लाइक दिस एंड यूज्ड टू बी अजाइल एंड एज अजाइल एज मेबी मोर. सो यू नो वी जस्ट लाइक आई नेवर एवर व्हेन एवर आई नोटिस्ड हिम आई नेवर एवर सॉ हिम लाइक आउट ऑफ द सिल्वेट ऑफ और द थीम ऑफ व्हाट ही इज डूइंग दैट डे व्हिच इज ब्रिलियंट यू नो बिकॉज इट्स सो इजी फॉर योर माइंड टू गेट डिस्ट्रैक्टेड. एक तो ये इंस्टेंट और ये सब भी आजकल बहुत आ गए बिल्कुल हैं बिल्कुल स्क्रोले बिल्कुल मीडिया. सो इतना आसान है फॉर यू टू यू नो जस्ट लूज ट्रैक ऑफ क्या कर रहे हो आप आज. सो जस्ट टू स्टे इन द गेम यू नो दैट्स इट्स द बेस्ट थिंग एवर. तो आप कैसे इस चीज का ध्यान रखते हो जस्ट टू स्टे इन द गेम? और मतलब इंस्टाग्राम भी है जैसे बाकी सोशल मीडिया साइट्स हैं, आप कैसे अपने आप को मतलब एक तरीके से चीजें मेंटेन करके रखते हो कि उधर इतना ध्यान ना जाए और अपने क्राफ्ट पे ज्यादा पकड़ रहे और ध्यान रहे? इज देयर सर एनी मैं लाइक कोई स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो आप? आई डोंट ब्रिंग माय फोन टू द सेट. ओके ओके राइट जस्ट कीप माय फोन इन द वैनिटी एंड आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स व्हेन आई एम शूटिंग बिकॉज यू नो राइट ये दिस इज द प्रायोरिटी. दिस इज व्हाट लाइक वी हैव बीन वेटिंग फॉर. शॉर्ट देने के लिए जो एक्शन और कट के बीच की जिंदगी है वो ही जीने के लिए हम वेट करते हैं. सो जब आप राइट वो जी रहे उस दौरान भी अगर आपको कोई डिस्ट्रैक्शन है तो फिर यू नो अगर आप वहां झूठ बोल रहे हो तो फिर तो कोई फिर फायदा ही तो नहीं है. फिर राइट राइट और आई तो थिंक वो बाकी जो सोशल मीडिया है वो भी है, वो तो एक तरीके से फिर बाय प्रोडक्ट है जिस तरीके का आप काम करते हैं और जिस तरीके की सर आपकी वो सब परफॉर्मेंसेज हैं। वो आपकी एक्टिंग के लिए कुछ नहीं है राइट. लाइक इट्स नॉट एनहांसिंग क्राफ्ट राइट बट व्हेन यू आर डूइंग अ जॉब एंड देन यू आर यू कांट हैव अनदर थॉट. इट कुड बी सोशल मीडिया इट कुड बी यू नो योर फैमिली और योर गर्लफ्रेंड और एनीथिंग. यू कांट हैव एनीथिंग एल्स गोइंग ऑन इन योर ब्रेन व्हेन यू आर इन द गेम. एटलीस्ट राइट दैट शुड बी द एम फॉर ऑल एक्टर्स. कितना कर पाते हैं नहीं वो राइट दैट तो यू नो दैट्स ऑल्सो प्रैक्टिस दैट्स ऑल्सो राइट काइंड ऑफ राइट मेडिटेशन. सो यू नो इट्स अ राइट लॉट लाइक क्रिकेट. आपके बॉल आ रही है आप खेल रहे हो उसको तो यू हैव टू लाइक हैव अ क्लियर हेड कि वो आगे भी आ सकती है पीछे भी आ सकती है. यू हैव टू बी रेडी फॉर एनी बॉल टू कम. नाउ इफ यू हैव लाइक ब्रेन आप एक ही शॉट लगाओगे बार बार अनटिल एंड अनलेस यू यू आर नो. वीरेंद्र सहवाग जो कि खेलते खेलते हाँ गाना है। राइट कैन गाना गाओ दैट्स ऑल्सो मेडिटेशन ना. वो गाना राइट गाते थे बिल्कुल ताकि तो राइट सबके अपने अपने सर सबके थॉट तरीके प्रोसेस हैं है। राइट राइट या तो जैसा ना आपने बताया कि जब ये शूटिंग चल रही थी सीरीज की, उसके बीच में फिर लॉकडाउन भी आ गया, और जब राइट स्टार्टिंग में सीरीज के बारे में पूरे स्क्रिप्ट के बारे में बातचीत हुई होगी और कैरेक्टर के बारे में आपने समझा होगा और किस तरीके से उस कैरेक्टर में जाना है, इस चीज के बारे में काम यस सर किया होगा, तो कितना मुश्किल होता है बीच में एकदम से सडन कुछ ऐसा एब्रप्टली कुछ हो जाता है, आप एकदम से एक मोमेंटम में हो कैरेक्टर बिल्डिंग के और उस एक एक, एक पूरा मोमेंटम चल रहा है आपका, अचानक से कुछ ऐसा हो गया, फिर उसके बाद में इतने टाइम का गैप, फिर दोबारा से उसी कैरेक्टर को वहीं से पकड़ना कितना मुश्किल होता है, आपके लिए कितना मुश्किल था? सर ऑनेस्टली पहले के कुछ दिन मुश्किल रहते हैं बिकॉज ऐसा लगता है कि हम लोग को जो फीलिंग हुई वो ये था कि यू नो हमने ये एक्चुअली 3 फिल्में अलग अलग शूट करी हैं बिकॉज 3 वेव तो हम 3 बार तीनों राइट वेव हमने फेस हम हर बार आए तो वो फर्स्ट डे एक्चुअली फेल्ट लाइक अ रियल फर्स्ट डे एवरी टाइम वी गॉट बैक ऑन सेट. सो इट वॉज अ राइट लिटिल डिफिकल्ट बट ऑनेस्टली मैं उसको एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करता हूँ आज व्हेन आई लुक बैक कि हम लोग को स्पेशली मुझे इतना वक्त मिला टू बी विद द मटेरियल ना राइट कि मेरे पास स्क्रिप्ट गई और हम लोग शूट करने लगे. जो हमने 10 दिन का शूट भी किया बिफोर द फर्स्ट वेव वो हमने कर लिया लेकिन उसके बाद जो मुझे 7-8 महीने मिले टू जस्ट रीड इट ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन आई राइट थिंक दैट रियली मेड मी मैरिनेट द मटेरियल सो वेल कि जब मैं सेट पे आया इट जस्ट फ्लू. मुझे पता भी नहीं चला कि वो कैसे हम लोग करते गए खेलते गए निकलता गया सब कुछ बिकॉज हम लोग ने इतना प्रैक्टिस कर लिया था. प्रेप इससे ज्यादा प्रेप टाइम आपको जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता. राइट 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 आपको 1 साल का प्रेप टाइम दुनिया में कोई फिल्म मेकर नहीं देगा जो हमें कोविड ने दिया. तो मैं बिल्कुल उसको उस तरह देखता हूँ कि हमें प्रेप टाइम मिल गया और हमने प्रॉबेबली आई थिंक कि हमने उसका फायदा उठाया. इवन कुछ डायलॉग लिखे गए यू नो ड्राफ्ट भी बन गए मेरे कुछ सीन भी ऐड हो गए कुछ ओके इधर उधर के सीक्वेंसेस आ गए. तो सब जो आई मीन व्हेन यू लुक बैक यू नो यू शुड जस्ट फील लाइक अच्छा हुआ जो हुआ है. राइट 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 और जैसे मैं आपके बारे में ना थोड़ा पढ़ रहा था और आपकी कुछ वीडियोस देख रहा था, आपने एडवर्टाइजिंग कुछ किया है, यू यू हैव वर्कड इन एड्स एज वेल, कुछ टीवी कमर्शियल्स वगैरह, और मैंने एक चीज मुझे बड़ी कंट्रास्टिंग लगी कि जिस तरीके के एड्स और वो मैं देख रहा था आपके, तो एक अलग ही एक थोड़ा ना
एक चॉकलेट बॉय और एक उस तरीके का एक इमेज था, लेकिन हाँ इधर जो आपने एक्टिंग करी है वो बिल्कुल एक डार्क शेड है, बिल्कुल ऑपोजिट है, और अभी भी जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं तो मुझे लग नहीं रहा बिल्कुल भी कि वो कैरेक्टर आपने प्ले किया है उस तरीके का। ये हाँ जैसे कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सारी चीजें होती अपने अंदर ही है, नेगेटिव हो जाए पॉजिटिव हो, उसको डू यू जी फील लाइक दैट? और अगर आप ये मानते हो तो कितना, किस तरीके से टैपिंग किया आपने उस चीज में और कितना टाइम लगता है? सर, ये ऑनेस्टली मतलब ये अभी चॉकलेटी और नहीं तो देखी हो तो देखने पे राइट नजरिया है, तो राइट राइट मैं क्या श्योर नजरिया, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि क्राफ्ट के हिसाब से यू नो व्हेन यू गेट समथिंग आप उसको पढ़ते हो, आप समझते हो, और अगर आपने किसी लेवल की ट्रेनिंग की है एज एन एक्टर, जो भी कुछ सीखा है, अगर आप यू काइंड ऑफ जस्ट यू नो यू डेवलप अ सर्टेन सेंस ऑफ व्हाट वर्क्स फॉर दैट कैरेक्टर, व्हाट डजंट वर्क फॉर दैट कैरेक्टर, और उस डायरेक्शन में आप जाने लगते हो. सो व्हेन यू नो योर क्राफ्ट वेल, देन इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू एडजस्ट योर सेल्फ इन से अ चॉकलेटी रोल और अ लवर राइट राइट बॉय राइट रोल रोल और समथिंग, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट नो इट्स अ क्लीशेड थिंग दैट अ लॉट ऑफ एक्टर्स से, बट पीपल आर ऑनेस्टली पीपल, यू राइट नो being a person like right now what we've done in Bombay meri jaan is it's essentially a family story. राइट So ट्रू ये family की कहानी है, dysfunctionality की कहानी है, कि कैसे एक जर्नी है उन लोगों की एक जगह पे रहते हुए, और वो कैसे ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टेंसेस, यू नो. सर्कमस्टेंसेस राइट यू कांट रियली प्ले इट लाइक यू नो अ सर्टेन वे. आई नेवर अप्रोच्ड अज्जू एज अ गैंगस्टर, आई जस्ट अप्रोच्ड अज्जू द बॉय हु लव्स हिज फैमिली, जिसको बहुत प्यार है अपने भाई से, बहन से, माँ से, बाप से, और वो एक बच्चा है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, यू नो, राइट जो हमने कभी ना कभी फेस किया है लाइफ में. अपनी अपनी दैट लाइफ में। उसका, अब मैं आपके लिए सस्पेंस नहीं ब्रेक कर सकता ना, आप हाँ बिल्कुल एपिसोड 8 पे, बिल्कुल तो मैं, हाँ मैं चाहता भी नहीं। राइट 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 बहुत कुछ होगा जो आपने नहीं देखा है, तो राइट वो ना वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो, और वही इसका कैरेक्टर है. ही जस्ट ही फंक्शंस फ्रॉम लव, इसको काम सब में इतना वो सब नहीं है, ही जस्ट फंक्शंस फ्रॉम यू नो आप मुझे इनसे प्यार है, मैं इनके लिए कुछ भी करूंगा. सो नाउ दैट इज अप फॉर इंटरप्रिटेशन, कि आप कैसे सोचो कि मुझे, मैं चॉकलेट ही उसको किया कि नहीं किया, कि गैंगस्टर, वो एक गैंगस्टर वर्ल्ड में रह रहा है, यू नो उसका दुनिया वो है. राइट सो इट इज वॉट इट इज, यू कांट लाइक यू नो मैं डिसाइड. राइट राइट मैं कुछ टाइम पहले ना नसीरुद्दीन शाह का एक एक्टिंग मास्टर क्लास थी कहीं पे, मैं उसको देख रहा था यूट्यूब पे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि आप एक अलग अलग तरीके होते हैं हर किसी के अपने रोल को करने के। एक तो ये है कि आप अननेसेसरी जो नहीं हो वो आप बन रहे हो, बनने की कोशिश कर रहे हो, और एक है कि आप किसी भी तरीके की एक्टिंग कर लो, बेस में हम सब ह्यूमंस ही हैं सारे लोग। जैसे जैसे कोई एक्टर परफॉर्म कर रहा होगा वो एक कैरेक्टर ही परफॉर्म कर रहा है, जैसे हम अपनी लाइफ में अपना कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं। वो उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप ये कन्विंसिंगली नहीं कर सकते कि अगर आप एक टेबल पे कॉफी का मग रखा है उसको आप अगर उठा रहे हैं, तो अगर आप इतनी बार आपने उस प्रोसेस को अपनी रियल लाइफ में किया है तो वो आपकी हैबिट में है वो चीज, बट जब आप एक्टिंग करते हो और आप करने की कोशिश करते हो कि मैं एफर्ट डाल के करूंगा, तो वो फिर अलग ही हो जाती है। बट अगर वो सिर्फ आप ये याद रख करके कर रहे हो कि यार ये मैंने पहली बार कितनी बार किया है इस चीज को, ये उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी, तो मुझे ये अभी तक याद है। ऑब्वियसली आई मीन ही इज ऑल्सो, आई मीन लेजेंड है वो सर, राइट मतलब क्या ही सही कह रहे हैं आप, राइट यही मान के क्या, आई मीन या बिल्कुल ऑफ कोर्स यू नो हैव टू, यू हैव टू जस्ट डू थिंग्स नेचुरली. आई मीन दैट्स वो क्लीशेड है वो भी ना, कि नेचुरल एक्टिंग आजकल इतना वो ओवर यूज टर्म हो गया है, लेकिन वही अपील भी करता है, यू नो हम जैसे कर रहे हैं अभी बात कर रहे हैं, इसी तरह यही एक्टिंग भी है, राइट कि मैं उसमें ज्यादा एनिमेशन ले आऊं और बहुत ज्यादा कुछ फोर्स करूं, तो वो फिर वो जारिंग लगता है ऑडियंस राइट को, कि कुछ राइट ग्लास उठा रहे हो तो ऐसे उठा रहे हो कि मतलब अभी पूरा पी जाओगे एक बार में, मतलब यू नो इट हैज टू बी अ लिटिल इजी, इट हैज टू बी व्हाट इट इज हाँ, कि फॉर जैसे रियल. अगर अगर गुस्सा आ रहा है, एंगर है, तो नाक आपको ऐसे करनी है, नाक आपको हाँ फुलानी है, वो आंखें आपकी ऐसी होनी चाहिए। हाँ ये पुराने जमाने में होता था ये, होता था कि होता आज था बिल्कुल। साल पहले वो फिल्म में ऐसा ही टेम्पलेट था. राइट यू नो थिंग्स आर चेंजिंग, एंड थिंग्स आर आई ऑल्सो चेंजिंग। फील ओटीटी हैज प्लेड अ मेजर रोल इन दिस, बिकॉज OTT हम इतना इंटरनेशनल कंटेंट है अब हम सबके पास, दैट वी
नॉट टेक मीडियोक्रिटी एनी मोर. हमें राइट अगर आप एक खराब चीज दोगे तो हम नहीं लेंगे, बिकॉज हमारे पास स्पैनिश कंटेंट है, कोरियन कंटेंट, इरानियन यूके कंटेंट के के शो, इरानियन कंटेंट है हमारे पास, राइट क्या नहीं है. तो इट इज जस्ट क्लिक ऑफ अ बटन एंड यू नो दैट्स इट. सो एसेंशियली नाउ वी हैव टू रियली अप द बार, बिकॉज वी गाइस आर कंपीटिंग अगेंस्ट द वर्ल्ड. राइट ट्रू इट इज नॉट दैट वी आर कंपीटिंग अगेंस्ट यू नो लाइक आर महाराष्ट्र यू रीजनल नो सिनेमा मध्य या बॉलीवुड. रीजनल वॉर नहीं है ये, आप अभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हो. तो हैव टू क्वालिटी उस लेवल की होनी बहुत जरूरी है सर. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो गोइंग फॉरवर्ड फिल्म मेकर्स एंड दे आर डूइंग इट यू नो. ऑनेस्टली सम ऑफ द राइट शोज दिस ईयर हैव बीन फैंटास्टिक यू नो. सम ऑफ द राइट शोज आर सो सो गुड फ्रॉम इंडिया दैट आई थिंक इट इट रियली इज अपिंग द बार. आई आपने होप सही आवर शो बोला. इज. जैसे अरे बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है, अब तक मैंने जितना देखा है ना शो को, मेरे को ऐसा लग रहा है अभी तो ये टॉप 10 में इसमें आया, बट मैं पर्सनली बिलीव कर रहा हूँ कि ये मतलब शायद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट में इंडिया में एटलीस्ट अगर सीरीज जो बनी है, टीवी सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ. अभी आगे का तो देखेंगे किस तरीके से रिस्पॉन्स आता है, बट अभी तक मुझे जैसा लग रहा है वो मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ, फिंगर्स क्रॉस्ड है ना. आप जो बोले सही हो बिल्कुल. अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और मैं ना एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, यू आर फ्रॉम भोपाल राइट? यस करेक्ट, आई एम फ्रॉम भोपाल. राइट, तो वहां पे जब आप मतलब बड़े हो रहे थे या वहां पे आप रह रहे थे, उस वहां का एक्सपीरियंस आपका कैसा था, किस तरीके का बचपन था, या अगर मैं ये कहूं कि क्या एक्सपीरियंसेस ऐसे थे कि जो आपको ऐसा लगा कि आप एक्टिंग में जाना चाह रहे हो, या ऐसा था भी पहले से सोचा था आपने, या धीरे धीरे बस एक चेन ऑफ इवेंट्स हो करके आप यहाँ पे पहुंचे हो? नहीं सर, एक्टिंग से रिलेटेड मेरे बचपन में कुछ भी नहीं था. और कोई आई वाज फैमिली जस्ट बैकग्राउंड भी नहीं रहा होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इनफैक्ट एक्टिंग छोड़िए, बॉम्बे में भी कोई रिलेटिव नहीं था जब मैं यहाँ पहली बार आया हूँ सर. इनफैक्ट मेरा बॉम्बे आने का रीजन यही था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा कॉलेज के लिए, बॉम्बे जाऊंगा बिकॉज मैं किसी को नहीं जानता. एंड आई जस्ट वॉन्टेड कम हियर एंड यू नो जस्ट यू नो एक्सप्लोर एंड बी ऑन माई ओन. और मैं हॉस्टल में था और मैं चर्च गेट में मेरा कॉलेज था. सो आई जस्ट यू नो बॉम्बे मैंने इतनी अच्छी तरह देखा है ना, क्योंकि मैं कॉलेज यहाँ आ गया था एंड देयर वाज नो लाइक नो बाउंडेशन एज सच. और ये वो तो आई हैव रियली एक्सप्लोर्ड द सिटी पैदल चल चल के, सेंट्रल लाइन ये वो सब एंजॉयड बॉम्बे. बट एनी वे योर क्वेश्चन बीइंग कि मैं बचपन से मेरा इंक्लिनेशन नहीं था, मेरा चाइल्डहुड हैज बीन अमेजिंग. मैं डीपीएस भोपाल में था स्कूल में, मैंने वहां माई फैमिली स्टिल देयर, सो भोपाल इज होम फॉर मी. आई लव भोपाल, बहुत अच्छा शहर है. बट मुझे एक पॉइंट के बाद बस मैं कॉलेज के लिए यहाँ आया एंड आई एनरोल्ड माई सेल्फ इन अ बंच ऑफ एक्टिंग क्लासेस. तो मैंने धीरे धीरे करते करते ये सोचा कि यार आई कैन एक्सप्लोर दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड. व्हेन आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इट आई रियलाइज दैट यू नो आई शुड प्रोबेबली बी इन द रियल वर्ल्ड ऑफ इट, बिकॉज ये थ्योरी में अच्छा है, क्लासरूम में अच्छा लग रहा है, बट जब मैं असली सेट पे जाऊंगा तो मुझे नहीं पता कैसा होगा. तो मैंने एक बिल्कुल. छोटा फिल्म मेकिंग का कोर्स किया और उसके बाद अपने रेज्यूमे बना के मैं ईमेल करता था लोगों से, लिस्ट ले लेके. फर्स्ट एडीज होते हैं जो, फर्स्ट राइट सेकंड थर्ड एडी, राइट तो फर्स्ट एडीज को ईमेल करता था मैं. तो एक फर्स्ट एडी ने मेरे को रिप्लाई करके दे गॉट मी अ जॉब एट प्रीतिश नंदी कम्युनिकेशंस एज एन इंटर्न. ओके सो दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म. आई वर्क ऑन दिस मूवी कॉल्ड मस्ती ज्यादे विद राइट मिलाप जरी. तो वो राइट मेरा इंटर्न मैंने पहले किया उस फिल्म पे. फिर मुझे समझ आया कि एक फिल्म बनती कैसे है, कैमरा कहाँ लगता है, लाइट कैसे लगती है, ऑल ऑफ दैट यू नो. आई वाज ऑन अ रियल सेट. देन आई डिड रॉन 2 एज एन एडी, देन आई राइट डिड एड एज एन एडी. फिर वो करते करते फिल्म सेट पे रहते रहते यू नो वो यूनिवर्स समझ आने लगा. तो जब वो यूनिवर्स समझ आया तो फिर मैं वापस से 24-25 साल की उम्र पे अब मैंने बोला नाउ आई विल लाइक लीव दिस एडी थिंग एंड आई राइट विल कंप्लीटली फोकस ऑन एक्टिंग, बिकॉज दैट्स रियली व्हाट आई वांटेड टू डू. देन आई गॉट बैक इन इट एंड देन आई डिड गोल्ड और फिर ये मिला. फिर सर वहां से एक जर्नी की शुरुआत हुई. बट बचपन राइट का कोई इंक्लिनेशन था नहीं सर. मतलब आई हो आई विश होता यू नो, इट वुड हैव बीन, मैं 3-4-5 साल बचा लेता अपने. राइट राइट कई राइट बार व्हेन यू स्टार्ट अर्ली जैसे वो बहुत फायदा देता है उस चीज का. हाँ, वो एक मोमेंटम भी मिल जाता है स्टार्टिंग से ही ना, जो शायद बड़े होने के बाद जब हम एक तरीके का हमारा थॉट प्रोसेस बन जाता है, तब मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी शायद.
21 साल की उम्र पे मैंने काम करना स्टार्ट किया राइट आउट ऑफ कॉलेज, तो आज मैं इस पॉइंट पे कहीं एक कुछ यू नो स्टैंडिंग में कुछ कर रहा हूँ, एक शो का पार्ट हूँ। बट कई लोग हैं जो कई साल जॉब करते हैं, फिर 30 पे 40 35 पे रियलाइज करते हैं कि यार अब मजा नहीं आ रहा, अब यू नो कुछ और करते हैं, क्राफ्ट ले, तो उनके लिए राइट, और मुश्किल। और मुश्किल है, तो राइट। की जितनी जल्दी स्टार्ट करो ना, उतना वो जो आप मोमेंटम कह रहे हो, उतना आपको एक लंबा लीस मिलता है टू एक्सप्लोर, टू मेक मिस्टेक्स, टू कम बैक अगेन, टू मेक मोर राइट। मिस्टेक्स, यू नो, टर्न टू ग्रो, क्योंकि गलतियां तो होंगी, वो वो तो तो होंगी पार्ट है। बिल्कुल, हाँ, सीख के वापस आना जरूरी है। राइट। आपने जैसे अभी जी बताया कि आपने रॉक ऑन 2 के सेट में एज एन एडी यू वर्क, राइट। तो जी ये सीरीज भी सुजात सौदागर सर ने बनाई है, वहां पे भी आप उनके साथ में एज एन एडी काम कर रहे थे। उनके साथ में मतलब आपका पहला मीटिंग किस तरीके से, पहली मीटिंग हुई उनके साथ में, क्या आप मतलब एडवर्टाइजिंग जब कर रहे थे तब से उनको जानते थे, या किस तरीके से आपका मिलना कैसे हुआ उनसे? नहीं सर, मैं एडवर्टाइजिंग में उनको नहीं जानता था। मैंने अगेन जैसे आपसे कहा, मैं अप्लाई कर रहा था बहुत सारी जगहों पे, तो मेरे फर्स्ट थे देवरत सागर, उनको मैंने ईमेल आईडी मेरे को कहीं से मिली फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ ईमेल्स, एंड मैंने उनको ईमेल भेजा, एंड ही वाज एट दैट टाइम, बिकॉज फर्स्ट एडी का जॉब ऐसा होता है ना, फ्रीलांसर का जॉब है, आज वो किसी प्रोजेक्ट में है, कल किसी और तो वो पे, उस टू पे उन्होंने जस्ट ज्वाइन किया था। सो ही राइट। वाज लुकिंग फॉर दीज यंग इंटर्न्स, जो मैं सेकंड सेकंड का जूनियर था। सेकंड सेकंड वो होता है जो आपको बुलाता है वैनिटी वैन से एक्टर्स को, और यू नो द अराउंड बिट। सो आई वाज द जूनियर, तो मैं ऐसे देवरत से मिला, एंड देन देवरत हैपेंड टू बी वर्किंग ऑन रॉक ऑन टू एट दैट टाइम। सो उनके थ्रू मैं फिर सेट पे शुजात से मिला एट अ लेटर पॉइंट, बिकॉज वो डायरेक्टर, वो सीनियर थे, मैं एक जूनियर एडी, तो इंटरेक्शन में नहीं होता था। बट राइट। देन वी बिलोंग टू शूट, वहां पे हम लोग की थोड़ी बहुत बात होने लगी, फिर अब वापस आए तो फिर बात होने लगी। सो देन इट बिकेम लाइक वन यूनिट, वन फैमिली, सबका हो जाता है। बट राइट देन देयर राइट वाज अ गैप दैट, यू नो, अगेन ही जस्ट मैसेज मी सेइंग, यू नो, आई वांट यू टू टेस्ट फॉर समथिंग, एंड मुझे फिर कास्टिंग बेस से कॉल आया, मैं उनके पास गया, मैंने टेस्ट किया, राइट एंड दैट्स हाउ इट वर्कड आउट। एंड यू नो, बट अगेन सी, दैट्स द पॉइंट, आई स्टार्टेड अर्ली, आई वाज राइट असिस्टिंग ऑन थिंग, एंड देन यू नो दैट काइंड ऑफ, व्हेन यू लुक बैक, वो अपने वो आप पे सारी बोलता चेन ऑफ था, इवेंट्स मिल रहे हैं आपस में, या राइट। वो जॉइन द वाला जो जॉइन द स्टीव जॉब्स डॉट्स का चीज है, है, वो इट इज सो रेलिवेंट, बिकॉज ऐसे ही राइट। होता है। वो नहीं समझ आ रहा था कि मैं, तब मैं ये भी सोच रहा था कि यार मुझे बनना तो एक्टर है, मैं क्या कर रहा हूँ एटीन के, मेरे को क्या राइट मिलेगा इससे, मेरे को तो एक्टिंग करनी है, ये वो, यू नो, राइट ऑल ऑफ दोस प्रेशर देयर इन माय हेड, बट टर्नड आउट द वे टर्नड आउट सर। राइट। और जिस तरीके से ना, जैसे आप बता रहे हैं कि आप जब यहाँ पे पहली बार आए होंगे मुंबई में, फर्स्ट टाइम आपका जब आना हुआ होगा, तो उस टाइम पे सबसे पहले आप किन लोगों से मिले थे? मतलब जैसे आपने बताया कि आप कॉलेज के लिए यहाँ पे आए थे, तो हाँ कॉलेज जी में जब सर, आपका, तो उस टाइम पे भी आप कुछ कुछ कर रहे थे कॉलेज के टाइम पे अपने? मैं कॉलेज में जैसे कहा, मैं सिर्फ बॉम्बे घूम रहा था, मैंने बहुत एंजॉय किया, मैं कुछ नहीं कर रहा था, बट आई मेड लाइक सम ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स इन कॉलेज। आई प्लेइंग क्रिकेट, आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ कॉलेज वर्क, मैं सारी काउंसिल्स में था, मैं आरसीएचआर में था, हमारा रोटरैक्ट क्लब होता था वहां पे, मैं सारे पॉसिबल कॉलेजेस के इवेंट्स और क्लब्स में था, लाइक आई वाज वेरी एक्टिव इन कॉलेज, एंड आई रियली एंजॉयड माई कॉलेज लाइफ, यू नो, बिकॉज आई वॉज सो न्यू टू दिस वर्ल्ड। मैं भोपाल से आया था, एक लड़का था, यहाँ पे सब साउथ बॉम्बे का क्राउड और सारे बहुत सारे पारसीज, एंड यू नो दैट फुल इंग्लिश स्पीकिंग वाइब एंड तो एवरीथिंग, एंड आई वॉज वो लाइक मतलब दिस। वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी कभी आपने फील किया, मतलब कि आप छोटे हाँ, शहर शुरू से में आए हैं या? बिल्कुल था, जैसे शुरू शुरू में मैं कई बार लोगों को बोलता था यार, मतलब कई बार, यू नो दैट इंग्लिश का एक फ्लुएंट वो हाँ, नहीं आता राइट राइट शहर से राइट आते। हाँ, हमारे यहाँ पे हम लोग, हमारा फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होता है घर पे, और यू नो वहाँ भी घर पे भोपाल में सब दोस्तों के साथ आज भी इंग्लिश में कभी बात नहीं होती वहाँ, राइट तो इट इज सही वेरी बात है। कैजुअल, यू नो, लाइक यू जस्ट गो विद द फ्लो। सो सडनली व्हेन यू आर, सो हियर द फर्स्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश, सो पारसी इज एवरीबडी इन सोबो, इट वॉज लिटिल ओवरवेलमिंग इन द बिगनिंग, बट फिर देन यू गेट यूज टू इट, फिर आप धीरे धीरे बात करते करते, फिर वो थोड़ा नेटफ्लिक्स आ गया तो फ्रेंड्स देखने लगे, तो उससे इंग्लिश सीख राइट राइट ली, आगे राइट 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 इंग्लिश, तो वो आ जाता है सर, वो फ्लुएंट, वो सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात है, कुछ नहीं, ग्रामर हम सबने सीखा है बिल्कुल बचपन बिल्कुल में, इट इज अबाउट दैट।
अंदर से वो आना चाहिए कि अंदर से हाँ आना कर चाहिए, और ले। एक वो हैबिट में आनी चाहिए चीज की, बस रिपीटेडली उसको करते रहें तो शायद प्रैक्टिस से वो चीज हो जाती है ना। आई नो सो मेनी फ्रेंड्स जो भोपाल से निकले मेरे, उस वक्त नहीं बोलते थे इंग्लिश, आज दुबई में। मैं भोपाल से एक को जानता हूँ, कुल्लू करके कोई है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, आई डोंट नो इफ कुल्लू यू, कुल्लू मैं तो गुल्लू नहीं, गुल, स्टैंड अप नाम बहुत कॉमेडियन अच्छा है। है, हाँ जानना हाँ चाह तो वो भोपाल से हैं, तन्मय भट्ट के बारे में शायद आपने सुना होगा, सर। उनके रिएक्शन चैनल्स पे मैंने उनको देखा है, तो भोपाल के बारे में मुझे तब पता लगा, उससे पहले मैंने भोपाल के बारे में कुछ ज्यादा सुना नहीं था, या क्या आर्टिस्ट हैं वहां से कोई आए हैं या ऐसा। हमारे जाकिर बहुत फेमस है, इंदौर से है वो, हमारे पास के एरिया के ही है। हाँ अच्छा, ओके, जाकिर खान, राइट, एमपी के हैं वो, एमपी ओके, से तो बहुत लोग, भोपाल से भी हैं काफी लोग हैं, मिलते रहते हैं, कुछ बात होती है। एक्टर्स बहुत सारे हैं, द लॉट ऑफ क्रिएटर्स, असिस्टेंट राइट, डायरेक्टर्स बहुत गया भोपाल में। अब ओके, शूटिंग बहुत होती है, इट्स अ वेरी हाँ ब्यूटिफुल सिटी भोपाल है, तो वहाँ शूटिंग बहुत होती है, तो इट इज वेरी, नाउ इट इज बिकम अ वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर एवरीबडी। राइट सो या आई मीन सो मेनी थिंग्स, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, इट्स अ लवली राइट, टाउन, यू शुड विजिट समटाइम। हाँ जरूर, कभी ना कभी तो मैं जरूर जाऊंगा। अब जैसे ना हम अभी तक तो टीवी सीरीज और आपकी इसकी बात कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे कि ये तो रिलेशन एज एन एक्टर अब या पिछले कुछ टाइम में आपका बना होगा मूवीज के साथ में, बट पहला जो हमारा जो रिलेशन होता है मूवीज के साथ में वो तो एज एन ऑडियंस ही होता है कि हम देखते हैं मूवीज। आपका जो रिलेशन है मूवीज के साथ में, सिनेमा के साथ में, वो स्टार्टिंग से ही किस तरीके का रहा है, किस तरीके का सिनेमा आपको इन्फ्लुएंस करता है या आप उसको देखना पसंद करते हो, कोई उसके बारे में मतलब कोई पर्टिकुलर आपका टेस्ट है या यू लाइक एवरी काइंड ऑफ सिनेमा। सर नाउ आई लाइक ऑल टाइप्स ऑफ सिनेमा ऑनेस्टली, बट ग्रोइंग अप बिकॉज वी वर अगेन यू नो नॉट फ्रॉम अ फिल्म फैमिली एंड ऑल ऑफ दैट, एंड हमारा राइट इतना कुछ फिल्मी इंक्लिनेशन भी नहीं था, सो राइट वी वर नॉट एक्सपोज्ड टू वर्ल्ड सिनेमा एंड ऑल ग्रोइंग अप। राइट सो तब पता नहीं था कि यू नो ये क्या क्या कमाल की फ्रेंच फिल्म्स होती हैं, ईरानियन फिल्म्स होती है, आप कितना कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, न्यूएंसेस क्या है, सटलिटी क्या होती है, होल्डिंग अ सीन क्या होता है, वो सब में हम लोग जाते नहीं देता था, क्योंकि टीवी पे आता था सूर्यवंशम बिल्कुल और मिस्टर मिस्टर इंडिया, राइट हर संडे आता मिस्टर इंडिया, और ऐसे यू नो लाइक सुपर कमर्शियल फिल्म्स, जैसे हमारे यहाँ थिएटर भी टाइटैनिक लगी थी तो वो डब्ड हिंदी में लगी थी उस वक्त, राइट तो देखिए देन कुछ कुछ होता है, के थ्री जी, चक दे इंडिया, लाइक द राइट क्लासिक कमर्शियल बिग बजट फिल्म्स, यशराज, ऑल ऑफ दैट। सो हम राइट लोग ओ वी वर फैंस ऑफ दैट ऑनेस्टली ग्रोइंग अप, एंड एक और एक 11, हीरो नंबर वन, राइट गोविंदास राइट राइट लेगेसी। हाँ तो ग्रोइंग अप होता, लेकिन सर उसके बाद क्या है, जब से काम करना स्टार्ट किया ना, वो इतने सब लोग अभी आजू बाजू, दे ओनली टॉक अबाउट मूवीज, तो वो अच्छी अच्छी पिक्चर देखना स्टार्ट करी उसके बाद। राइट लाइक आई राइट राइट डिस्कवर दीज फिल्म, यू नो रॉकी आई डिस्कवर्ड रॉकी सो लेट इन, पल्प फिक्शन रिजर्वायर डॉग्स आई डिस्कवर्ड सो लेट इन लाइफ। धीरे राइट धीरे धीरे फिर समझ आया कि यू नो व्हाट इज द, व्हाट्स द क्राफ्ट बिहाइंड इट एंड ऑल। सो लाइक नाउ माय मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस इज ऑल्सो चेंज्ड, यू नो इट डज चेंज विद टाइम ऑलवेज, मतलब आई हमको थिंक। जैसे एज अ पब्लिक, एक एक मास मूवीज जो देखने की हमें आदत पड़ी होती है, मतलब एज एन ऑडियंस मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ, तो वो ऐसी मूवीज की होती है जिसमें कि बहुत कुछ हो रहा हो कॉन्स्टेंटली हाँ दिमाग के ऊपर, एक एक मतलब क्या बोलेंगे उसको, बाहर से कुछ ना कुछ हमें मिल रहा हो स्टिमुलस, एक फीडिंग ऐसा, फीडिंग हाँ एक कुछ ना कुछ स्टिमुलस हमको फीड करता जा रहा हो बार 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 बार, तो हमको ऐसा लगता है और एक कुछ हो रहा है, डोपामिन हिट हो रहा है या ऐसा कुछ रश फील कर रहा है। मैंने पहली बार जब ईरानियन सिनेमा को एक्सप्लोर किया, एक डायरेक्टर हैं, मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूँ, वेयर विंड विल कैरी अस करके एक मूवी है उनकी, अब्बास ओके अच्छा क्यूरिस्तामी, अब्बास क्यूरिस्तामी, हाँ, तो मैंने पहली बार किसी की रिकमेंडेशन पे ही मैंने पहली बार वो देखी थी, और मुझे उससे पहले वही बॉलीवुड की मूवीज और हॉलीवुड भी फॉर एग्जाम्पल उनका भी कुछ ऐसा है नहीं, उनकी भी बहुत सी मूवीज वैसी ही बनती हैं। तो जब मैंने हाँ ईरानियन मूवी को एक्सप्लोर किया, मैंने पहली बार देखा, तो मैंने ये पाया कि 2 घंटे की अगर मूवी है ना, तो उसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि शोशाबाजी हो रही है, ये बहुत कुछ उसमें हो रहा है, सिंपल स्टोरी लाइन है, कैरेक्टर चलते जा रहे हैं, अपना स्टोरी चल रही है उनकी, बहुत कुछ नहीं हो रहा, कहानी चल रही है। हाँ हाँ कहानी चल रही है। और अब्बास क्यूरोस्तामी तो जाने जाते हैं अपने लॉन्ग टेक्स के लिए, कि बस वो गाड़ी गाड़ी के आगे उन्होंने कैमरा लगा दिया और वो ड्राइवर उनका ड्राइव करने पे लगा हुआ है, और उसको बस लॉन्ग लंबे लंबे शॉट्स है। लेकिन सर मैंने ये देखा है, ये लॉन्ग टेक्स का ना ऑब्सेशन है कमाल के फिल्म मेकर्स को, हाँ और वो इतना राइट
से करते हैं, देयर इज समथिंग यू नो, एक और विजुअली भी बहुत अच्छा लगता है कि वन टेक चीज है ना, कि एडिट ही नहीं किया आपने उसको, इट लुक्स वेरी नाइस. लाइक आई रिमेम्बर आपने कहा तो मुझे याद है एक रोमा फिल्म है नेटफ्लिक्स पे, अच्छा ओके एंड्रो की है आई थिंक जिन्होंने बर्डमैन बनाई है, आई थिंक वो सेम डायरेक्टर. ओके ओके और में रोमा, और उसमें इतना कमाल का एक वो है सिंगल टेक जिसमें कैमरा अंदर है हॉस्पिटल में एंड इट्स मूविंग लाइक दिस एंड बाहर राइट चल रहे हैं. सो देर आर सम 1,000 पीपल एक्स्ट्रास एक्चुअली डूइंग द राइट, मतलब एक्चुअली बाहर पे पूरा एक्शन सीक्वेंस चल रहा है एंड दिस कैमरा इज डूइंग दैट वन टेक थिंग इनसाइड दैट हॉस्पिटल, और एक एक करके ग्लास टूट रहा है एंड आपको धीरे 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 वो एक्शन पीस दिख रहा है नीचे की क्या हो रहा राइट है. इट्स सो फुली डन, मतलब वो कमा. इवन बर्डमैन उसमें इतने सारे वन टेक शॉट्स हैं जब वो आपके साथ आ रहे हैं, स्टेज पे आ रहे हैं, राइट सब कुछ हो रहा है. इट्स जस्ट ब्यूटिफुल, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल लाइक यू सेड इट्स वेरी बोरिंग, यू हाँ नो, बोरिंग है, हाँ करो ना कुछ, हो क्यों नहीं कुछ रहा करो, कुछ हो सबसे क्यों नहीं बड़ी. रहा, लड़ाई कब होगी, ऐसा कब होगा, कुछ बताओ. डन राइट वन निकालो, मारो किसी को, कुछ हाँ एक्शन हो, हाँ कुछ क्या कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट लाओ. कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट लाओ. में लोग थोड़ा वो हो जाते हैं, राइट ड्रामा नहीं. और ड्रामा नहीं होता. और मैंने एक चीज और एक्सपीरियंस करी, वो ये ना कि जैसे अभी आपने बोला कि कुछ ड्रामा लाओ, एक्शन लाओ, रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो उतना ड्रामा उतना एक्शन ऑन अ रेगुलर बेसिस होता नहीं है वैसे. करेक्ट, अगर रियल लाइफ से भी सिनेमा को अगर हम एक तरीके एक पैरेलल जनरेट करने की कोशिश करें तो लाइफ में इतना कुछ ऐसा नहीं कि दिन में 2-3 बार ही कुछ बहुत कुछ ऐसा हो गया, एक स्टेबल राइट उसमें राइट. चली रही होती है लाइफ. वो उन सिनेमा में लेकिन मैंने जानने बिल्कुल. उसका भी मजा है ना, मतलब KGF और हाँ हाँ RRR हाँ के है, वो अलग एक्सपीरियंस मतलब है. विजुअल एक्सपीरियंस है. मिशन राइट इम्पॉसिबल, ये सब, यू जस्ट सिट रिलैक्स एंड यू नो, पठान, जवान, ये सब कमाल बिल्कुल है. मतलब आई एम फैन, मुझे तो बहुत मजा आता है. सेम सेम. और शायद इन्हीं मूवीज की वजह से है कि बहुत लोग जैसे कहते हैं कि OTT आने के बाद अब सिनेमा व्यूइंग एक्सपीरियंस खत्म हो जाएगा, बट मुझे नहीं लगता. KGF नहीं जैसी हो मूवीज और ये सारी मूवीज को आप सिनेमा में ही एंजॉय कर पाओगे, सिनेमा हॉल के अंदर ही. गदर, देखो आप गदर ने क्या हाँ किया है. आई बिल्कुल वेंट फर्स्ट डे टू गेटी गैलेक्सी, इतना ओके कमाल था, यू हैव टू बिलीव इट, यू हैव टू, आई मीन यू हैव टू गो देयर टू बिलीव इट. राइट इट इज राइट इनसेन, यू नो, मैं बोल सक, आई कैन नॉट पुट इट इन वर्ड्स व्हाट द फैनफेयर इज लाइक फॉर दीज मूवीज. यू नो, पीपल एंजॉय, लोग डांस करते हैं साथ में, लोग पैसे भी पे, इट इज, इट्स अ पार्टी फॉर देम. राइट 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 जवान भी मैंने गेटी में देखी, इट इज अ पार्टी फॉर पीपल, लाइक पीपल आर वांटिंग शाहरुख खान टू विन, यू नो, दे आर रूटिंग हिम. एक राइट कमाल का एक एक ऐसा लगता है कि यू नो, आप सब एक टीम में हो, कि राइट एवरीबॉडी इज रूटिंग फॉर शाहरुख, लाइक कम ऑन ब्रो, डू इट, लाइक इट्स जस्ट, इट्स इनसेन. एंड वो एक अलग यूनिवर्स है, यू बिल्कुल नो, बिल्कुल वो बिल्कुल. एक वो अलग शायद मजा अभी है. के अरे तो हाँ वो तो खत्म नहीं होगा शायद, मुझे भी ऐसा लगता है. वो नहीं, कार्निवल है होना एक चाहिए. तरीके का वो तो. That's joy. That's like festival. That's like होली, दिवाली. राइट मतलब राइट you know, you're enjoying, मस्ती कर रहे हो आप. This makes your life worth it. यार गणपति में लोग मजे कर रहे हैं, डांस मजे कर कर रहे रहे हैं. हैं. They should. राइट एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने ऑब्जर्व करी ना, जैसे आपने आप एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी आप काम कर चुके हो, और आपने बताया कि करना आपको एडिटिंग था, नो डाउट. एडिटिंग कह रहा हूँ, सॉरी, करना आपको एक्टिंग एक्टिंग था, वो दैट वाज लाइक योर मेन फोर्टे दैट यू वांटेड टू डू. बट बाकी चीजें भी आपने एक्सप्लोर करी कि व्हाई नॉट, अगर वो करना है बट अगर इनके इनको करके भी अगर हेल्प हो रही है. तो एज एन एक्टर, अब जब आपको डायरेक्शन के बारे में भी थोड़ा पता होगा, आपने पूरी प्रोसेस के बारे में एज अ होल समझ लिया, जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं, क्या आपके साथ में ऐसा होता है कि कई बार आपका वो जो एक वो डायरेक्टर वाली हैट है वो बीच में आ जाए, या आप और तरीके से ऑब्जर्व करने लग जाओ चीजों को और वो हैम्पर करने लगे बीच में, कि फॉर एग्जाम्पल, या किसी आप नए डायरेक्टर के साथ में कुछ एड फिल्म शूट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो और आपको पता है हाँ कि ये चीज गलत हो रही है या ये थोड़ा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको कुछ होता है ऐसा, मतलब डिस्टर्बेंस उससे क्रिएट होती है, या आप वहां पे सिर्फ एज एन एक्टर बोलते हो कि यार मेरा ये काम है, मैं फिर यही करूंगा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा. सर, मैं अभी तो मैं स्विच ऑफ कर लेता हूँ, कॉन्शियसली करता हूँ मैं, बिकॉज क्योंकि आप यू राइटली पुट आउट, मैं एडी रहा हूँ तो मुझे स्केड्यूल्स बहुत अच्छे से समझ आते हैं. मुझे पता है कि अगर आप कह रहे हो कि 10 मिनट लगेंगे एक्टर को आने में, तो 10 मिनट नहीं लगेंगे, राइट एक राइट घंटा लगेगा. तो मैं सिर्फ एडी पे बोलता हूँ क्योंकि वो जूनियर है अभी, वो भी मेरी तरह जब मैं था तो बिल्कुल वो स्टार्ट कर, मैंने भी वो झूठ बोले हुए हैं कि सर बस 5 मिनट्स मोर, यू नो, हाँ राइट इट्स नेवर 5 मिनट्स, इट्स ऑलवेज लाइक 40. तो मैं कहता राइट हूँ यार पूछ, सही जवाब दे दो, 40 मिनट है तो यू नो लेट मी जस्ट लाइक बी, यू नो, आई एम नॉट सेइंग कि
ये करा वो करा, आई अंडरस्टैंड यू नो मूवी मेकिंग इज अ फुल प्रोसेस, राइट उसमें एज एन एक्टर यू नीड लाइक अ लॉट ऑफ पेशेंस विद क्राफ्ट ऑल्सो, यू जस्ट नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस टू सिट इन द वैनिटी एंड मे बी नॉट डू एनीथिंग फॉर यू नो फॉर हाफ अ डे समटाइम्स, क्योंकि आपका शॉर्ट और दूसरी चीजें चल रही है, तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, बट दोज थिंग्स आई अंडरस्टैंड. It doesn't irritate me, it doesn't bother me, honestly. But it's just that, you know, sometimes when ADs act smart, na, you catch it. But aap wahan pe rahe hue, aapko pata hai, ki yaar ye abhi jhoot bol rahe mere se. But, you know, like, it's that's easy. But, you know, what really works is that you start respecting the whole process. Right, you right, start right. respecting, if you've been a part of that machinery, आप स्पॉट बॉय से लेके लाइट दादा से लेके केटरर से लेके हर चीज की वैल्यू को समझते हैं. बिल्कुल, जब आप हर चीज की वैल्यू को समझते हो, इट इज लाइक यू नो इफ यू इवन इफ यू ओन द कंपनी, यू शुड ऑलवेज कम फ्रॉम द इंटर्न लेवल, सी इट नीचे फ्रॉम रूट्स की होता क्या है, प्रोडक्ट बनता कैसे, सेल कैसे करते हैं, इस आदमी की क्या इंपॉर्टेंस है, उस आदमी की क्या इंपॉर्टेंस है, बिकॉज वेन यू सडनली पुट ऑन टॉप फ्रॉम नोवेयर, देन यू डोंट वैल्यू. Right. So you need to value the whole tree, you know, you need to like understand that everybody in this ecosystem is bringing something to the table so right. that we can make product. तब जाकर के शायद एक एम्पैथी भी आ पाती है हमारे अंदर और लोगों को लेकर के कि किस तरीके की इंपॉर्टेंस है बाकी लोगों की भी उस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर. बिल्कुल सर, क्योंकि क्या है कि मैंने कई बार ऐसा देखा है कि एक्टर्स कई बार सीधा जो एक्टर बन जाते हैं ना, दे काइंड ऑफ लूज दैट पर्सपेक्टिव समटाइम्स, कि यार ये इतना टाइम क्यों लगा रहे, वो ये ऐसे क्यों बोल रहे, हम एक्टर है, हमारा ये हमारा वो, ऐसा यू नो यू शुड व्हेन यू वर्क एज एन एडी एंड यू कम ऑफ, तो आपको रियलाइज होता है कि यू नो हर एक चीज आपके अगेंस्ट नहीं वर्क कर रही है, आपके फेवर में वर्क कर रही है. राइट right. है कि आप अच्छा काम करो ताकि अच्छी चीज बने, एंड एवरीबडी इज सपोर्टिंग यू इन दैट प्रोसेस, फ्रॉम द केटरर टू द लाइट दादा टू द माइक दादा टू एवरीबडी, यू नो एवरीबडी इज ट्राइंग टू द बेटर प्रोडक्ट. राइट राइट, वेरी वेल सेड. मतलब ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि एक तरीके से एम्पैथी क्रिएट हो जाती है, वरना तो शायद, मतलब ये मैं अजम्पशन ही कर सकता हूँ एज अ ऑडियंस की, वरना तो एक्टर को शायद ऐसा लगता होगा कि मेरे ही अराउंड वर्ल्ड जो है रिवॉल्व अराउंड कर रहा है और मैं ही यहाँ पे. हो सकता है सर, एक्टर्स एंड सीनियर टेक्नीशियंस एंड डायरेक्टर्स आर समटाइम्स ट्रीटेड वे वे बेटर ऑन सेट, यू नो ऑलमोस्ट लाइक रॉयल्टी, तो वो हो सकता है, तो इट कैन गेट टू योर हेड एंड यू हैव कॉन्शियसली ग्राउंडेड कि आप बिल्कुल उस चीज को ऐसे मत लेने दो, इट इज योर पोजिशन दैट यू नो आप अभी इस पोजिशन में हो इसलिए ऐसा है, बट बाहर सब इक्वल है, सारी चीज बराबर है, एवरीबडी इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप द बेसिक्स राइट. आई थिंक सर ऑनेस्टली लाइफ में और यहाँ भी इट कम्स डाउन टू बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, बाकी सब अपनी ठीक है. इफ यू वैल्यू लाइक यू नो स्मॉल थिंग्स एंड एवरीबडी यू ट्रीट इक्वली जो बेसिक्स है लाइफ के, तो सब कुछ ठीक रहे, एंड पीपल ऑल्सो वॉन्ट टू वर्क विद दोस काइंड ऑफ पीपल. राइट, एंड क्राफ्ट पे भी होती है, उनके इकोनॉमिक्स पे भी होती है, बट ऑल्सो इसलिए भी होती है कि यार वो बहुत अच्छा बंदा भी है, और जैसे मूवी की हम सीरीज की बात कर रहे हैं, तो मैंने जो एक चीज बहुत मतलब ऑब्जर्व करी ना, जैसे आपने जब स्टार्टिंग में हम सीरीज की बात कर रहे थे बंबई मेरी जान की, तो आपने बोला कि एक पूरी फैमिली की एक स्टोरी है जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और उनके सर्कमस्टेंसेस उनको वो कर रहे हैं, बट हर किसी का अपना एक व्यू पॉइंट होता है, नो डाउट वो एक फैमिली के तो है ही, बट मेरा जो एक जो सीधा एक वो गया ना ध्यान, वो के मेनन सर के कैरेक्टर पे गया, वो इस तरीके से कि मतलब मैंने किस तरीके से इंटरप्रेट किया उनके कैरेक्टर को, कि यहाँ पे एक इंसान है जो कि एक हर तरफ इविल सारे लोग हैं और ये एक शरीफ इंसान है, अब उसने शादी भी कर ली, उसकी फैमिली भी है, लेकिन वो अपने उसूल छोड़ने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी नहीं, और उसके चक्कर में उसकी ऑनेस्टी और उसके चक्कर में सबको जो है फेस करना पड़ रहे हैं उसके कंसीक्वेंसेस, राइट है ना. आप मतलब जैसे देखते आपने जैसे स्टोरी को समझा होगा या जैसे देखा होगा, तो आपने आपको क्या लगता है कौन से ऐसे सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं जो कि मतलब जिनका अपना ही एक दूसरा वर्ल्ड व्यू भी चल ही रहा है पर्सनल लेवल पे. सर हाजी का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है जो सौरभ सचदेव कर रहे हैं फर्स्ट कुछ एपिसोड्स में, बिकॉज उनके वर्ल्ड व्यू हाँ और कमाल की एक्टिंग की है उन्होंने, वो मेरे एक्टिंग कोच है, वो एक्चुअली एक एक्टिंग टीचर, वो मेरे गुरु रहे हैं,
राइट और राइट इट वाज वर्किंग विद हिम आल्सो, हमारे कुछ ही सीन है बट इट वाज ग्रेट वर्किंग विद हिम. वो उनका वर्ल्ड व्यू स्क्रिप्ट लेवल के हिसाब से काफी कुछ चेंज करता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट हैपेंस टू बॉम्बे. पठान का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही इज द फोर्स बिहाइंड द मैन पावर बिहाइंड हाजी हाँ जी एंड द बॉम्बे. तो वो एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है. ऑफ कोर्स इस्माइल का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इस्माइल डिसीजन लेते हैं वो सब हमारी लाइफ्स को इफेक्ट करते हैं ना, विच इज वाई राइट आई सेड इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द फैमिली एंड राइट दैट्स वाई एवरीथिंग हैपेंस द वे इट डज स्लोली स्लोली. सो आई मीन यू कैंट, सम पीपल आर यू नो ऑल्सो सेंडिंग मी रिव्यूज अबाउट मामूज कैरेक्टर, द गाय हूज प्लेइंग आवर मामा, जो राइट वो आपने पुलिस वाले को जो मार देते. सो राइट वो जब उनको स्टेशन छोड़ने जाते हैं तो वहीं से पूरी कहानी चेंज होती है. का आलोक चेंज हो पांडे जाती है. बहुत अच्छे कर रहे हैं हमारे मामा. सो देर आर इवन निवेदिता मैम्स कैरेक्टर हूज प्लेइंग अ मदर, यू नो लाइक हर मोरालिटी, द फैक्ट दैट शी वॉन्ट प्रोटेक्ट हर ब्रदर फर्स्ट एंड वो भी तो फैमिली है, वो भी तो बिल्कुल एक बॉन्डिंग की. सो यू नो बिल्कुल असेंशियली इट इज अबाउट दैट ह्यूमन एसेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग आर ओन फर्स्ट, राइट यू नो लाइक हमारे वाले, मेरा भाई, मेरी बहन को कुछ होना चाहिए, मेरे अब्बू अम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए. इट इज अबाउट प्रोटेक्टिंग योर ओन. सो एसेंशियली इट इज अगेन अबाउट फैमिली. तो राइट आप राइट जितना उसको डाइसेक्ट करेंगे आपको घूम फिर के वो मिलेगा उसका मजा वही कि बाप बेटा, बेटा बेटी, यू नो ऑल ऑफ दैट, लाइक सारी वो चीजें कहानी. इंटरकनेक्टेड हैं और एक का जो एक्शन है वो हर तरीके से सबको ही वो कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं. जी, जैसे मेरा कैरेक्टर है वो बिजनेस तरह इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ राइट मस्ती करता है, ही वांट्स टू एंजॉय. वो ऐसा है कि ही टैग्स अलोंग विद हिज ब्रदर्स. राइट कई बार राइट होता है काम कर रहे हैं, हाँ चलो तुम ये कर रहे हो, चलो मैं भी यही कर मैं भी लेता कर हूँ लेता यार, हूं. मत मैं कुछ और क्यों करूं, तुम्हारे साथ हूँ, चलो यही कर राइट लेता हूँ. एंड देन राइट सडनली आफ्टर 9th एपिसोड उसे रियलाइज होता है कि यार अब तो मेरे को इस चीज को सीरियसली लेना पड़ेगा, यू नो कि ये मस्ती में बहुत दूर आ गए हम, राइट राइट विच यू राइट इसलिए हंस रहा आप वही देखो. इसको, हाँ मैं उसी लिए हंस रहा हूँ. हाँ या तो राइट यू नो यू रियलाइज कि यू नो अरे यार ये तो बहुत दूर आ गए एंड दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द फैमिली. बिल्कुल मे बी फैमिली वो नहीं कर रही होती है, उस वर्ल्ड में नहीं रह रही होती, तो अज्जू कुछ और काम कर रहा होता लाइफ में, कहीं दुकान खोल बिल्कुल लेता वहां, कुछ यू नो बिल्कुल कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लेता, मिठाई की दुकान डाल लेता. राइट 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 सो इट इज योर सर्कमस्टेंसेज एंड दैट्स सो अमेजिंग, विच असेंशियली योर फैमिली डिसाइड्स इन लाइफ. यू नो हाउ लाइक इफ यू स्टार्ट आउट इन लाइफ एंड योर फैमिली नीड्स सपोर्ट, सो यू हैव राइट टू सपोर्ट योर फैमिली, राइट? बिल्कुल दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर हेड, यार मैं कैसे इनफ पैसा कमाऊं, बचाऊं कि घर भेज पाऊं. बिल्कुल पहला प्रायोरिटी है फैमिली को सपोर्ट करना, फिर राइट आपके एम्बिशन आते हैं, फिर आपके डिजायर आते हैं, फिर आपकी दूसरी चीजें आती हैं लाइफ में. लेकिन इट राइट ऑल योर फर्स्ट फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज टू गेट योर बेसिक्स राइट बेसिक्स एंड राइट योर क्योंकि बेसिक हाँ लाइक योर मम्मी पापा योर सिबलिंग्स, राइट यू नो एक वो सेट हो जाए एंड वो खुश हैं, देन यू कैन गो आउट एंड यू नो फील लाइक अरे चलो अब दुनिया जीतते हैं, यू नो देन यू कॉन्कर कैन करेंगे. बिल्ड ऑन टॉप ऑफ दैट धीरे धीरे करके ना. ऑफकोर्स, लेकिन अगर आपके घर में दिक्कतें हैं तो वो आपको हर जगह से रोकेगा, क्योंकि राइट इट विल कीप ऑन योर हेड, जो अपन पहले बात कर रहे थे ना कि सेट पे आप दिमाग में बातें चल रही होती हैं या राइट जो भी ऐसा, तो राइट बातें फिर दिमाग में कि यार वो सब तो काम बहुत अच्छा कर रहा हूँ लेकिन यार घर पे गड़बड़ है, यू नो राइट वहां मम्मी खुश नहीं है या कुछ ऐसा कुछ, यू नो दैट इज दैट्स वेरी इट्स आई एम श्योर इट्स वेरी अफेक्टिंग, इट्स इट बॉदर्स पीपल अलॉट. अच्छा जैसे आपने बोला ना कि वो बॉदर करेगा, ऐसा होगा, प्रॉब्लम होती है तो वो आर्ट में दिखेगा, बट एक नैरेटिव चलता है ना आर्ट वर्ल्ड में कि जब तक सफरिंग नहीं है लाइफ में तब तक आप बहुत बढ़िया आर्ट नहीं बना सकते, ये भी चलता हाँ है. तो आपको क्या लगता है, मतलब किस किस तरीके से डिस्टिंक्शन क्रिएट करते हो आप इस चीज में कि ये बिल्कुल फैक्ट बिल्कुल सही है, जब तक चीजें पीछे सही नहीं है आगे आप कितनी प्लानिंग कर लोगे, आप बढ़ ही नहीं सकते आगे. बट फिर एक नैरेटिव ये करेक्ट भी है और एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे हैं ऐसे आर्टिस्ट के जिनकी थोड़ी स्ट्रगल वाली लाइफ रही है और बहुत ज्यादा थोड़ा मेंटली भी वो रहा है, और ये नैरेटिव चलता है फिर एक कि वो जीनियस पता नहीं ऐसे करके एक नैरेटिव चलता है कि जितना ज्यादा डिस्टॉर्टेड आपकी लाइफ होगी, केओस होगा आपकी लाइफ में, उतने बड़े आप आर्टिस्ट होगे. व्हाट डू यू सर, थिंक? मतलब पार्शियली पार्शियली इसको आप ट्रू कह सकते हैं इस चीज को, यू नो बिकॉज क्या है कि जब आप व्हेन यू आर पुश्ड अगेंस्ट द वॉल और एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं असली, तो वो सबसे बड़ी सीख कोई नहीं है जिंदगी की. बिल्कुल जिंदगी की सीख लेते हो
तो आप एक बेटर इंसान बनते हो। जब आप राइट एक बेटर इंसान बनते हो तो आप अपने आप एक बेटर आर्टिस्ट बनते हो। जैसे जैसे आप में ह्यूमिलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्सचर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यू, ह्यूमन इमोशन, सारी चीजें वो सब आती है। ये मैं थोड़ा सा डाइसेक्ट कर रहा हूँ इस नहीं चीज नहीं को, बिल्कुल, रादर आई लव टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स भाई। मतलब राधेन जस्ट सेइंग कि यार अरे दर्द होना चाहिए और तभी हाँ अंदर से म्यूजिक मिलेगा, राधेन रोमांटिसाइजिंग इट। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे दोज लर्निंग्स हेल्प यू। राइट इज राइट व्हाई हाउ आई वाज व्हेन आई वाज 25, आई एम नॉट द सेम व्हेन आई एम 30। बिल्कुल 5 साल जिंदगी में कई सारी चीजें हुई हैं, कुछ ब्रेकअप हुए, कुछ रिलेशनशिप्स हुई, कुछ अच्छी हुई, कुछ बुरे हुए, कुछ स्ट्रगल हुए, कुछ सक्सेस हुआ, कुछ फेलियर हुआ, कोविड राइट हुआ, लॉस हुआ, सब कुछ हुआ सबकी जिंदगियों में, यू नो। राइट तो उन सब चीजों से इवॉल्व करके अगर हमने कुछ सीखा नहीं और हमने उससे अब्सॉर्ब नहीं किया और हम उससे कुछ एज इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बेटर नहीं बने, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट? तो फिर हम राइट आर्टिस्ट भी बेटर नहीं बन पाएंगे। सो द होल पॉइंट दैट यू नो एवरी ह्यूमन विल हैव अ सर्टेन जर्नी। इन दैट जर्नी यू विल हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, गुड, बैड, अगली। समटाइम्स इट कुड बी एन ओवरनाइट ब्लास्टिंग एक्सपीरियंस, समटाइम्स इट बी स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट विल कम टुगेदर एट सम पॉइंट, बट राइट यू हैव टू बी वेरी रिसेप्टिव एंड मेक श्योर दैट यू नो यू ग्रो, राइट बिकॉज वेन यू ग्रो ये आपकी जो बात है ये सच हो जाएगी कि आप एक अच्छे आर्टिस्ट भी बन जाओगे, अच्छे एक्टर भी बन जाओगे, अच्छा सब कुछ बन जाओगे, और आप बातों को सुनने लगोगे लोगों की, यू नो लिसनर बन जाओगे अच्छे, यू राइट जस्ट बी काम। आई जस्ट फील यू नो दैट वुड, दैट रियली हेल्प्स। बट राइट सर ये मुझे ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड स्ट्रगल खुद पे डालना ना लोगों का पसंद नहीं आता। कई बार ना लोग इस मेंटेलिटी में जाके जान पूछ के अपने साथ कई चीजें उल्टी करा उल्टी रहे कर हैं कि लेते हैं। अरे राइट हाँ बहुत सही रिलेशनशिप चल रही है, कोई स्ट्रगल ही नहीं है, चलो ब्रेकअप, आज लड़ाई कर लेते हैं, ये थोड़ा या अरे बहुत लड़ाई मुझे टच हो रहा है आज पर्सनली। हाँ राइट 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 मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल जो आप कह रहे हैं। क्योंकि एक नहीं एक सर हाँ बचपन में एक वो मैंने कहानियां सुनी होती है ना कि भाई ऐसा है, वो जिम मॉरिसन की बुक भी शायद यहाँ पढ़ी होगी कि जिम मॉरिसन थे और ये जितने म्यूजिशियन थे बड़े स्ट्रगलिंग थे, तो वो बनना चाहते हैं आर्टिस्ट हम भी, और फिर वो एक दिमाग में ख्याल आने लगता है कि यार हमारे साथ में तो कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे रॉकस्टार मूवी में भी वो बोलता है कि मेरे पे तो कुछ बीती ही नहीं है। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन विल नॉट रिजल्ट इन एनीथिंग। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिन्होंने ये कोशिश की है कि अरे राइट भाई हम जबरदस्ती, आपके पास सब कुछ है, आप बोलो नहीं हम जा रहे हैं भाई, फॉर एग्जाम्पल हम चौल में रह लेंगे, तो राइट आपकी मेंटेलिटी चेंज नहीं हो रही वो 2 महीने चौल में रहने से। आप कोई कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहे हो, एक्टिंग नहीं करने जा रहे, अगर रियल लाइफ में एक्सपीरियंसेस लेने हैं तो राइट 2 महीना स्ट्रगल करके तुम असली में स्ट्रगल इन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे हो। इट क्योंकि बैक हैज एंड में टू तो हिट पता है ना कि सब कुछ पड़ा है, रिसोर्सेस। पड़ा है कि घर जाएंगे तो एसी लगा है, वहां पे बिस्तर है, आराम से राइट खाना है, यू नो में आपका सेफ्टी नेट ऑन है पूरा टाइम बिल्कुल बिल्कुल कि भैया इधर घर है मेरा इंदौर में, भोपाल में, फलाना टिमाना एक छत है, जाके सो जाऊंगा वहां पे। सो दैट राइट इज नॉट, व्हाई डू यू हैव टू फेक इट, यू नो लाइक अननेसेसरली मेक बिलीव में क्यों जीना चाहते हो आप? राइट बिकॉज एज राइट एन एक्टर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर न्यूट्रल, टू नो योर रियालिटी, यू नो, बिकॉज इफ यू डोंट नो योर रियालिटी हाउ विल यू एवर गो दिस वे और दैट वे? आई हैव टू राइट बी हियर, ट्रू सो इफ आई एम ऑलवेज इन द माइनस बोलूं अरे नहीं बहुत ये है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत ये है वो है, और एक्चुअली नहीं है, तो मैं यहां से यहां आने में मुझे बहुत वक्त लगेगा टू राइट ट्रांसफॉर्म एज ए कैरेक्टर, तो आई शुड ऑलवेज बी हियर कि कभी भी यहां वहां आप चले जाओ, यू नो। सो बी रियल इज वॉट एवरीबडी सेज एंड दे शुड, पीपल शुड फॉलो इट। राइट 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 बहुत सही आपने बात बोली है। और मैं एंड में बस मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे मूवीज और सिनेमा के अलावा और बाकी और कौन से इंटरेस्ट हैं आपके, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए क्या और कोई मीडियम्स भी आप यूज करते हैं, लिखना या कभी डायरेक्शन के बारे में आपने आगे सोचा है लाइफ में कि उसमें भी आप एंट्री करने की कोशिश करेंगे, अभी सिर्फ पूरा फोकस एक्टिंग पे ही है? सर एक्टिंग पे पूरा फोकस है अभी, तो क्या है थोड़ी सी, मैं अभी लोगों को बोलता हूँ थोड़ी सी ऐसी गाड़ी चलना शुरू हुई है, वो राइट अच्छी राइट चल राइट रही है, राइट आ रहा है, तो राइट अभी तो ये स्पॉट्स लाऊंगा ना तो गड़बड़े राइट हो, मतलब ट्रू 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 अभी तो अभी गाड़ी चल रही है सर, अभी अच्छे से चलाएंगे, अभी एक और शो कर रहा हूँ इसके बाद, एक टीवीएफ राइट के साथ अमेजोन हाँ का ही शो, एक फिल्म की हुई है छोटी सी वो आने वाली है, फिर राइट हो सकता है कुछ आगे सीक्वल्स बने कुछ हो,
तो यू नो लाइक अभी अगला 2-3 साल तो दिख रहा है कि अभी काम है, तापसी तो यू तापसी हैव, पन्नू के साथ में भी आपका कुछ प्रोजेक्ट हाँ कुछ सर, है? वो एक फिल्म की है मैंने रॉय कपूर फिल्म्स के साथ, ओके तापसी पन्नू के साथ, एक छोटा राइट मेरा कैमियो है, बट इट्स अ मूवी प्रतीक गांधी और तापसी के साथ, तो ओके दैट ओके शुड कम दिसंबर में या अगले साल कभी आएगी फिल्म। और एक पीडीएफ का शो कर रहा हूँ मैं, जो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, उनके साथ दो शोज कर रहा हूँ एक्चुअली मैं अमेजोन राइट के, एंड ओके ओके दैट्स हैपनिंग नाउ, वी आर शूटिंग एक्चुअली इन 10 days, तो अभी बिल्कुल सब तैयारी चल रही है उसकी, और साथ में ये भी चल रहा है बम्बई मेरी जान की बातें हैं, प्रमोशन एंड सब कुछ। राइट बट हाँ सर, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं मेरे दिमाग में अभी और कोई एक्टिंग के अलावा कोई थॉट है ही नहीं, ना मैं लाना चाहता हूँ, बट राइट मेरे दूसरे शौक है, आई लव टू ट्रैवल, मीन जो नॉर्मल लोगों के शौक होते हैं सब वही शौक है, आई लव टू ट्रैवल, आई लव टू प्ले क्रिकेट, राइट मेरा एक ग्रुप है, संडे के संडे हम लोग सब क्रिकेट खेलते हैं, आई लव म्यूजिक, आई लव मूवीज, एंड दैट्स इट, जस्ट यू नो वेरी वेरी बेसिक थिंग्स, आई लव डूइंग बेसिक थिंग्स, वर्कआउट करता हूँ, एक्टर हूँ, करना ही पड़ता है करना वर्कआउट, ही यू नो जिम पड़ता जाता है राइट हूँ, वर्क थिंग, एंड दैट्स इट। बट अभी सर डायरेक्शन का तो मतलब कुछ नहीं है, लिखता कभी कभी यू नो वेरी एमेच्योर राइटिंग, वो अपना थोड़ा बहुत नोट्स में कभी कुछ दिमाग में राइट कोई थॉट आ रहा है लिख लिया, उसकी शायरी बना ली जबरदस्ती, और इंस्टा पे मूड होता है तो वो उसको कैप्शन बना के लिख दिया, तो राइट राइट वैसा स्टोर करता रहता हूँ। बहुत अच्छा लगा मेरे को आपसे बात करके, आई अरे रियली सर मत, लव्ड इट। और आगे भी जो आपकी आपने बताया आपकी सीरीज और मूवीज वगैरह आ रही हैं, वो भी जब आएंगी तो मैं जरूर आपसे उनके बारे में भी बात करना चाहूंगा उस टाइम पे। 100% तो कह रहा हूँ बिल्कुल करनी चाहिए, एंड वी शुड लाइक एनी वे जस्ट चैट, ऐसे या कभी भी बात कर श्योर सकते श्योर हैं। श्योर इट वॉज या लवली टॉकिंग टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम एंड डूइंग दिस सो डूइंग मच बात। सर फॉर डूइंग दिस, एंड प्लीज एंड वॉच ऑल 10 एंड आज ही प्लीज आज टेक्स्ट मी ही आज ही खत्म हो जाएंगे और इमिजिएटली, खत्म करने के जल्दी बाद ही जल्दी आपको टेक्स्ट करूंगा अमेजोन प्राइम पे जाओ मैं जल्दी, बस ये रहा सिस्टम पे खुला है ओपन ही करनी है विंडो। डन डन डन, चलो सो आई वॉच इट टेक्स्ट यू सर। श्योर श्योर लास्ट लास्ट 2 episodes आर ऑनेस्टली लाइक अ फिल्म, इट्स ओके लाइक अ मूवी ऑफ इट्स ओन, 2 घंटे की पिक्चर है वो, तो राइट क्योंकि वहां से एक कहानी शुरू होती है, सो जस्ट एंजॉय एंड श्योर डिस्कनेक्ट, वॉच इट एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक। श्योर श्योर आई टेक्स्ट यू आफ्टर वॉचिंग एवरीथिंग। थैंक डन यू डन, टेक केयर बाय थैंक यू बाय सो मच, लवली बाय टॉकिंग टू यू, सी, टेक केयर बाय बाय बाय, बाय टेक सी यू।